थिएटर्स के खुलते ही दिखेगा बॉलीवुड फिल्म रिलीज का महायुद्ध। बॉलीवुड में हमने कई जंगें छिड़ती हुई देखी है, पर इस बार मामला कुछ और है। इस बार इंडस्ट्री में देखने मिल सकती है बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने की जंग। आज देश में कोरोना महामारी के चलते सिनेमा घर बंद पड़े हैं। अब देश में कोरोना कम होने से सब स्टार काम पर तो लौट चुके हैं, पर सिनेमा घरों का खुलना अभी भी मुश्किल लग रहा है। इस परेशानी के चलते कई फिल्में ऐसी भी है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हो रही है और उनके मेकर सिनेमा घर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी और किन फिल्मों को बाद की रिलीज डेट मिलती है, किन के बीच होगा क्लैश, किसका रहेगा दबदबा। आइए हम इस बीच कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करते हैं जो सिनेमा घर खुलने का इंतजार कर रही है। चेहरे। चेहरे मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रूमी जाफरी कर रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में है। रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसूजा, सिद्धांत कपूर, अन्नु कपूर, दुतिमान चटर्जी और रघुवीर यादव भी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिल्म में बच्चन एक वकील की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि हाशमी एक बिजनेस टाइकून का किरदार निभाएंगे। फिल्म की घोषणा अप्रैल 2019 को की गई थी। कोरोना के चलते मेकर्स ने फिल्म को बाद में रिलीज करने का निर्णय लिया। यशराज बैनर्स की बंटी और बबली 2 की बात करें तो आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है। वरुण वी शर्मा द्वारा निर्देशित ये पहली फिल्म है। ये फिल्म 2005 की बंटी और बबली की सीक्वल है। फिल्म में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और नवोदित अभिनेत्री शर्वरी वाघ है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की थलाइवी, जो कि जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में कंगना रनौत ने जयललिता की भूमिका निभाई है। जयललिता एक सफल राजनेता और फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 6 बार सेवा की थी। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। ये विजय द्वारा निर्देशित और विष्णुवर्धन इंदूरी द्वारा निर्मित फिल्म है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी 2019 को जयललिता की जयंती पर लॉन्च किया गया था। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक तमिल में थलाइवी और हिंदी और तेलुगु भाषाओं में जया था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने इसे तीनों भाषाओं में थलाइवी शीर्षक के तहत रिलीज करने की योजना बनाई। थलाइवी की शूटिंग नवंबर 2019 को शुरू हुई और दिसंबर 2020 में पूरी हुई। कोविड-19 मामलों में वृद्धि और लॉकडाउन के चलते फिल्म की रिलीज डेट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म है। ये फिल्म में अक्षय कुमार को DSP वीर सूर्यवंशी के रूप में दिखाया गया है। कैटरीना कैफ के साथ जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर के साथ कई सहायक किरदारों को लिया गया है। इसमें जावेद जाफरी, अजय देवगन और रणवीर सिंह केमियो रोल में दिखेंगे। ये फिल्म सिंघम और सिम्बा की फ्रेंचाइजी का हिस्सा ही है। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई थी। इस फिल्म को लेकर रोहित शेट्टी ने बयान जारी किया था कि वो इसे OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं करेंगे और सिनेमाघरों के खुलने का इंतजार करेंगे। रोहित शेट्टी का ये इंतजार देखते हैं कितनी हद तक उनके लिए फायदेमंद होता है। सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम स्टारर ये एक्शन फिल्म है जिसमें टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की वाइफ दिव्या कुमार खोसला काफी समय के बाद फिर फिल्मों में लौट रही है। अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई पर आधारित ये फिल्म 2018 की फिल्म सत्यमेव जयते का एक आधिकारिक सीक्वल है और इसमें दिव्या खोसला कुमार, राजीव पिल्लई और अनुप सोनी के साथ जॉन अब्राहम दोहरी भूमिका में है। पर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण इस फिल्म की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया है। बेल बॉटम अक्षय कुमार स्टारर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है। इसमें अक्षय कुमार मुख्य किरदार में है। वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरेशी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग सितंबर को लंदन में खत्म की गई थी। पूरे देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज को स्थगित किया गया था। फिल्म 83। कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म 1983 पहले विश्व कप जीतने वाली टीम के जीवन पर आधारित एक स्पोर्ट्स फिल्म है। फिल्म में कई समय बाद रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की जोड़ी की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिल्म में रणवीर सिंह क्रिकेटर कपिल देव के रूप में है। दीपिका पादुकोण उनकी पत्नी रोमी भाटिया के किरदार को निभाते नजर आएंगी। ताहिर राज भसीन, जीवा, साकिब सलीम,
हार्डी संधु, अम्मी वीरक, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, निशांत दहिया, साहिल खट्टर और अमृता पुरी 83 की टीम इंडिया के खिलाड़ियों के किरदार में नजर आएंगे। इसे अप्रैल 2020 को थिएटर में रिलीज किया जाना था, पर कोविड-19 महामारी के कारण इसकी रिलीज की तारीख को अनिश्चित काल के धकेल दिया गया है। इन्हीं फिल्मों के साथ कार्तिक आर्यन स्टारर धमाका और भूलभुलैया 2, अमिताभ की जुंड, आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी और उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की शमशेरा, द इमोर्टल अश्वत्थामा, राधे श्याम, अतरंगी रे, अटैक, KGF 2, भूत पुलिस, लाल सिंह चड्ढा, भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, ब्रह्मास्त्र जैसी बिग बजट फिल्मों की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और मेकर्स भी इनके अच्छी कमाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी थिएटर्स में फिल्म देखने का उत्साह है। अब देखना ये है कि मेकर्स लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।